गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हुए हादसे के बाद दिल्ली में कूड़ा हटाने की मुहिम चल पड़ी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग सामाजिक संस्थान अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग जो लैंडफिल साइट हैं उनको हटाया जाए। हमारे साथ आज एक ऐसी ही संस्था है जो ये मांग कर रही कि भलसवा की जो लैंडफिल साइट है उसको हटाया जाए। खत्ता हटाओ जीवन बचाओ ये संगठन है और ये तमाम वो लोग हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कूड़े का इतना बड़ा आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ से किस तरीके की दिक्कत है, किस तरीके से इस कूड़े के ढेर से यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह की दिक्कत आती है, उस तमाम चीज़ को लेकर हम चर्चा करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो तमाम चीज़ है जिसको लेकर आज जो एक कूड़े का पहाड़ बन गया है, ये कब से यहाँ पर इस तरह की चीज़ चल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कूड़ा हर रोज़ कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं। सर, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये कूड़ा यहाँ पर 1937 से डल रहा है और आप जानते होंगे, ये सभी सरकारी संस्थाओं को पता है कि एक जहाँ पर भी लैंडफिल डलता है उसकी हाइट लगभग 20 मीटर रखी जाती है, इससे ऊपर नहीं रखी जाती क्योंकि वो खतरनाक हो जाती है, वो कभी फट सकता है। लेकिन इस भलसवा लैंडफिल की हाइट 55 से 60 मीटर हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा विकराल कोई आतंक मचा सकता है यहाँ। और यहाँ की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि इस जनता के बारे में, यहाँ हर घर में बीमारी है, किसी को छोटी किसी को बड़ी। हमारे यहाँ के लोगों ने 22,000 लोग घरों का डाटा भी है हमारे पास, जिसमें किडनी कैंसर लीवर ऐसी तो बहुत बीमारी, बहुत बच्चे मर रहे हैं। तो अब यहाँ बचपन विकसित होना मेरे को लगता है नामुमकिन सा है। अगर कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली जनरेशन अपाहिज पैदा होगी, जैसे कि हिरोशिमा में नागा जापान में हुई थी। तो मैं सरकार से अपील करूंगा, ये हमारे क्षेत्र को मत देखें, क्योंकि जैसे शिमला में अगर बर्फ़ पड़ती है तो उस ठंडी हवा 200 किलोमीटर तक जाती है, तो जाहिर सी बात है इस खत्ते की ऊंचाई 20 किलोमीटर तक तो जाती होगी। तो ये कम से कम 25-30 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, सरकार को गंभीरता से इसके ऊपर सोचना चाहिए। यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी पीछे लगातार कूड़े के जो ट्रक हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन एक दिन में यदि हम बात करें तो कितने ट्रक यहाँ पर इस तरीके से कूड़े के पहुँचते हैं? यहाँ कल हमने खुद नीचे जेई साहब के रूम में जाके चेक किया था, लगभग 200-300 ट्रक डेली आ रहे हैं अभी भी। और लेकिन सरकार ये बताती है, अगर कोई पूछता है कि यहाँ अब चक्कर डलने बंद हो गए ट्रकों के, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ डेली चक्कर डल रहे हैं। और कुछ चक्कर ऐसे भी हैं 70-80 जो अनऑथराइज तरीके से आ रहे हैं, जिनका किसी को नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आज़ादी से पहले कि यहाँ पर इस तरीके की लैंडफिल जो साइट है वो शुरू हो गई थी, और ये स्थिति हो चुकी है कि तकरीबन 200-300 जो ट्रक हैं वो हर रोज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कूड़े का जो ढेर है उसकी लगातार हाइट बढ़ रही है, और ये हाइट बढ़ना कहीं ना कहीं ये जो तमाम लोग हैं इनके लिए चिंता का विषय हो चला है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन के स्तर पर, क्या सरकार के स्तर पर कभी इस तरह का आप लोगों ने प्रयास किया कि उनसे बात की जाए कि लगातार इस कूड़े की साइट की हाइट बढ़ रही है, इसके कारण जो दिक्कत हो रही है? हम सर समय समय पे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, वो पूरी जनता ने, हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं कौंसलर से लेके एमएलए से लेके एमपी तक, हम सबसे टाइम टू टाइम बात करते रहे हैं। अभी ये हादसा, गाजीपुर का हादसा होने के बाद हम लोगों ने दोबारा भी इस मुहिम को हमने छेड़ दिया है, और हमारे जो क्षेत्र के, हमारे जो भलसवा गांव के जो कौंसलर हैं सुरेंद्र खरब जी, और हमारे जो यहाँ भलसवा डेयरी से जो हमारे कौंसलर हैं विजय भगत जी, जो उप महापौर भी हैं, हम उनके पास गए हैं, उनको लेके हम जो है महापौर जी से मिले हैं, महापौर महोदया से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वहाँ पे हमारी बात हुई है, कमिश्नर साहब के वहाँ से उन्होंने, हमारे जो डायरेक्टर इन चीफ हैं जो पूरे दिल्ली के कूड़े को देखते हैं उनसे हमें मिलवाया है, जो हमारे कूड़े को देख रहे हैं चीफ इंजीनियर उनसे हमें मिलवाया है, जो डायरेक्टर इन चीफ हैं उनसे हमारी बात हुई है इस कूड़े के बारे में कि ये कूड़ा यहाँ से इसको 100 साल से पड़ रहा है, ये कब तक पड़ता रहेगा, ये हमारे क्षेत्र की समस्या है, जहाँ की दुनिया भर की बीमारियाँ फैल रही हैं, इसका क्या होगा। उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली सरकार हमें इसको डालने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मुहैया करा रही है। हमने उनको बताया कि अभी रानीखेड़ा में पीछे क्या हुआ था, रानीखेड़ा की ज़मीन आपको दी गई थी तो वहाँ क्यों नहीं डालना शुरू किया? उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे एक जो है वहाँ पे उसका विरोध हो गया और वहाँ पे लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, हम वहाँ नहीं डाल पाए। तो ये हमारी समस्या नहीं, वो कहाँ डालेंगे कैसे डालेंगे उनको देखना है। हमने उनको बोला कि हमारा यहाँ से खत्ता बंद होना चाहिए, 100 साल से हमारी जनता यहाँ पे परेशान है। हमने उनको बोला है कि यहाँ पे हमारा जो ये खत्ता है इसके ऊपर ये पहले इनकी प्लानिंग बनी थी, रोड के दूसरी साइड में भी जो खत्ता पड़ता था उस पर भी इन्होंने सौंदर्यकरण किया है, वहाँ घास और पेड़ पौधे लगाए हैं, इसकी भी प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग रोक दी गई जैसा हमें मालूम हुआ। उन्होंने बताया कि इसको 3 साल की एक्सटेंशन और दे दी गई है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ।
और हमें ये भी यहाँ सुनने में आया था कि यहाँ पे दिल्ली जो है कुतुब मीनार जितने बड़े उसमें जो है यहाँ पे दिल्ली लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल रूट है, इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा कि जिससे यहाँ पे हो। हमने उनसे अपनी ये मांग रखी है कि हमारे इस खत्ते का सौंदर्यकरण होना चाहिए और ये हमारे क्षेत्र की जनता है वो इसके ऊपर यहाँ घास पेड़ पौधे लग जाएंगे, वो यहाँ खाना खाने के लिए आए, इसके ऊपर खाना खाने के लिए आए, घूमे फिरे, यहाँ बैठे, उनसे बात करें। पर्यावरण के स्तर पर जो दिक्कत है, जो जिस तरह की चीज़ें हैं उनको लेकर किस तरह की व्यवहारिक दिक्कत आती है, क्या यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है या उसका जिस तरह का टेस्ट है उसको लेकर किस तरह की स्थिति है आजू बाजू का जितना भी एरिया है उस? ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल ही गंदा हो चुका है। ज़मीनी पानी हम कोई भी लोग पी नहीं सकते हैं कि आपने नल लगवाया आप उसको पी सकते हैं, वो बिल्कुल ही प्रदूषित हो चुका है बहुत गहरे स्तर पे। ज़मीन इसके अंदर से जो केमिकल निकलता है ये साइंटिफिक लैंड फील्ड नहीं है, ये एक अपने आप डालना शुरू कर दिया है, तो सारा का सारा इसका जो केमिकल कचरा गैसी सब ज़मीन में जा रही है उससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा स्तर पर गंदा हो चुका है, वो पीने लायक किसी की लेवल पर नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है यहाँ पर, सभी लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। हमने सर्वे किया था पीछे बीमारियों को लेके भी, तो हमने पाया कि ये घर में काफ़ी लोग बीमार हैं, काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं वो, और कैंसर जैसी बीमारियां भी हैं उनकी, तो हमने पीछे काफ़ी सर्वे किए थे मिलकर, तो उसमें ऐसी स्थिति सामने आई थी। और पानी का तो स्तर बहुत ज़्यादा डाउन और गंदा तो है ही है। मेरा एक सभी पार्टियों से सभी सरकारों से एक सवाल है, अगर गाजीपुर जैसा अगर यहाँ हादसा होता है और यहाँ अगर हजारों की संख्या में लोगों की जान माल की हानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम, उपराज्यपाल, NGT, कोई जवाब दे सकता है? मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह का जो हादसा है वो यदि होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और क्या हम हादसों से ही सीख पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। भलसवा लैंडफिल साइट को लेकर इससे पहले भी प्रयास किए गए कि इसको हटाया जाए, मगर सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। अब आप लोग इस तरह के मुहिम शुरू कर रहे हैं, आप लोगों ने जो मुहिम शुरू की है उससे आपको लगता है कि सरकार उसके प्रति गंभीरता दिखाएगी? मेरा कहना ये है कि बात आई है कि रानीखेड़े में खत्ता डल रहा था, पब्लिक इकट्ठी होगी, लठ लेके खड़े हो गए, तो वहाँ खत्ता नहीं डला, और हम प्यार से इस समस्या को हल करना चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट प्यार से उसको समझ नहीं रही, क्या हम भी लठ उठा के खड़े हो जाएं? जब हम लठ उठाएंगे तभी गवर्नमेंट जागेगी, फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्यों? और लठ तो हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पीढ़ी तो चार पीढ़ी तो ख़त्म हो रही है, जो पांचवी पीढ़ी जो बच्चे चल रहे हैं, किसी की आंख में इन्फेक्शन है, किसी का आंत में इन्फेक्शन है, किसी के सांस की बीमारी है, तो आगे अपना जो फ्यूचर देख रहे हैं बच्चों में, वो फ्यूचर तो हमारा वो भी दाव पर लगा हुआ है, तो क्यों ना हम भी फिर लठ उठाएं इस गवर्नमेंट का, फिर जब ही आँख खुलेगी गवर्नमेंट की, इससे पहले गवर्नमेंट क्यों नहीं जागती? एक समस्या खड़ी हो जाए उससे पहले गवर्नमेंट ने खुद इसका हल ढूंढना चाहिए, ना कि हम लठ उठा के रोड बंद करके मारपीट करें गवर्नमेंट के साथ भिड़े चल के, मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल, देखिए ये जो बात बताई गई है कि सिर्फ आंदोलन ही क्या सरकार को जगाएगा, क्या आंदोलन के माध्यम से ही इस तरह की चीज़ें होंगी, सरकार को अपने स्तर पर सरकार क्यों नहीं इस तरह के प्रयास करती है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि कंप्लीट तौर पर यहाँ से इस लैंडफिल साइट को हटा देना चाहिए या फिर जितना कूड़ा यहाँ पर डला है उसको लेकर कोई इस तरह का प्रयास किया जाए कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर या कुछ और कर यहाँ पर इस तरह के हालात रखे जाएं ताकि लोग यहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन कर पाए? ऐसा है जी, यहाँ से तो मेरे हिसाब से तो इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, कॉलोनी के भी लोग कर रहे हैं, अब इतना बड़ा ये हाईवे रोड है, ये हाईवे इस पे जो भी पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आती है, दुनिया आती है, जब स्वरूप नगर पे पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं जी लो जी दिल्ली आ गई, बदबू आनी शुरू हो गई, खत्ता इस खत्ते की वजह से रुमाल लगाना शुरू कर देते हैं लोग मुंह पे, तो जब ये रुमाल लगाते हैं तो इस यहाँ इस एरिया का सीन देखो आप, माहौल देखो कितना बढ़िया है, अगर इस खत्ते को हटा दिया जाए यहाँ से तो लोग यहाँ पे और भी आगे बसेंगे, रहेंगे, खुशहाली मिलेगी, बच्चों का जीवन सही होगा। दूसरा ये एक ये यहाँ झील है अपने क्षेत्र में, वो झील के अंदर भी सारा गोबर पानी सब उसी में ही जा रहा है, वो भी गंदगी है, मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे बड़ी झील यही होगी यहाँ पे, यहाँ पर, और इसकी भी कोई देखभाल नहीं हो रही,
पहले आज से 20 साल पहले सुना था कि भाई इसके लिए 90 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है, लेकिन वो भी सारा फंड इसका वापस चला गया। उसके बाद में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैंने भी अपने RWA की तरफ से लेटर लिख के दिए हैं, झील के लिए भी दिए हैं, खत्ते के लिए भी दिए हैं, भाई इस पर कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये जितनी भी पब्लिक है जो यहाँ रहती है इसके चारों तरफ, वहाँ पर जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट से गाजीपुर में और यहाँ से, मैं उसमें फ़र्क है, वहाँ पब्लिक आसपास नहीं रहती, यहाँ इसके साथ ही सारे लोग रहते हैं, मेरे हिसाब से कम 15-20 हज़ार लोग तो बिल्कुल साथ में ही रहते हैं। उसके अलावा इसकी इतनी आबादी है, इस खत्ते की वजह से रोहिणी तक पोल्यूशन जाता है, इसका रोहिणी तक जाता है, ये नहीं कि भाई आप सोचो कि 5-7 किलोमीटर के दायरे में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे क्षेत्र में जाता है, पूरे क्षेत्र की पब्लिक परेशान है। लोग कहते हैं जी कहाँ रह रहे हो गंदगी में, यहाँ क्या है यहाँ पे, लेकिन हमें अपने रहने का नहीं है, पब्लिक को देखना है, जो बच्चे पैदा होते हैं शुरू से ही बीमारियाँ लग जाती है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, यही हालत है। सुबह शाम मैं जाता हूँ, मेरे पास आती है पब्लिक कॉलोनी की, वो मुझे बताते हैं, कहते हैं देखो जी कपूर साहब प्रधान जी, ये कितना पानी निकल रहा है यहाँ से गंदा, इसका कोई प्रयास करो, ये मच्छर पैदा हो रहे हैं, गंदा पानी है, बीमारियां हैं, बरसात में आके देख लो आप, सारा पानी इसका रस रस के पूरी कॉलोनी के अंदर फैल जाता है। तो इस परमाणु बम है ये, ये तरह परमाणु बम है, ये हमारे जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए परमाणु बम है। जिस दिन ये फटा तो ये देख लेना, कम से कम यहाँ पे हर क्षेत्र में वार्ड में चले जाइए, हमारे सारे वार्ड 5 वार्ड हैं, हर वार्ड में कम से कम 25-30 हज़ार वोटर लिस्ट है, लेकिन आदमी ज़्यादा रहते हैं, ये लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए परमाणु बम यहाँ पे बना हुआ है, इसको बंद किया जाए, अगर ये फट गया तो पता नहीं कितनों की जान लेगा। बिल्कुल, देखिए स्थिति काफ़ी गंभीर है और हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की पहचान, जब दिल्ली में कोई आदमी आता है, जो चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट में इस तरीके का कूड़ा देखकर कहीं ना कहीं ये पहचान बनती है दिल्ली में, किस तरीके की कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं। और आप देख पा रहे हैं ये वो रोड, शायद आपको धुएँ के अंदर कम दिखाई देगी मगर यही वो रोड है जिसके जरिए बाहर से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ के इलाके के हम यदि बात करें, जिस इलाके को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इतने, जो गाजीपुर जैसा यदि कोई हादसा होता है तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, वो तमाम मकान हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो इलाका है, ये इसके ठीक बगल में इलाका है, ये मकान है, यदि इस तरह का कोई गाजीपुर जैसा हादसा होता है, यहाँ से ये कूड़े का पहाड़ खिसकता है तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। और इसी को लेकर इन तमाम लोगों की चिंताएं हैं, इनके संगठन की चिंताएं हैं, इसीलिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से ये हट पाए। अब आप लोगों का जो आंदोलन है वो कल से, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, किस तरीके से ये आंदोलन आगे चलेगा? हमने अपने इस आंदोलन का बिल्कुल एक शांतिपूर्वक स्वरूप रखा है, हमने सबको जहाँ भी हम मीटिंग कर रहे हैं, जिसको भी हम बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, यहाँ पे कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेगा, लेकिन जो खत्ते की गाड़ियाँ हैं हम उसको खत्ते के ऊपर नहीं जाने देंगे। हमने अभी पीछे प्रयास किया, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं अजय सिंह यादव जी, हम उनको लेके मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि जिस दिन हम उनसे मिले थे कि भी मैं कल ही LG साहब से मिला हूँ और उन्होंने बोल दिया है खत्ता बंद हो गया है, लेकिन हमने उनको बताया कि जी कल ही हम वहाँ से डाटा लेके आए हैं, वहाँ पे 250 गाड़ियाँ तो कल भी डली हैं, तो ये तो बंद नहीं हुआ, तो बोलते हैं कि चलो मैं फिर कल LG साहब के पास जाऊँगा और मैं फिर उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी कोई गाड़ियाँ बंद नहीं हुई है। हम जब सीख सेंटर में जब हम उनके डायरेक्टर इन चीफ वगैरह उनसे मिले हैं तो हमने उनको ये साफ शब्दों में बता दिया है कि हमारी क्षेत्र की जनता ने, हमारे प्रतिनिधियों ने, सबने सामूहिक तौर से बड़े प्यार से बड़े प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बाद प्यार से ये खत्ता नहीं हटा है। हमने उनको ये भी बोल दिया है कि हम जापान जैसे शहर में नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पे काली पट्टी बांधने के बाद ही वहाँ पे सरकार एकदम चेत जाती है और वो पे एक हफ्ते में उसका निदान कर देते हैं। हमने उनको बताया जो खत्ते का पहाड़ है ये मेरे ख्याल से एक नासूर हो गया हमारे लिए, एक इसने राक्षस का रूप ले लिया है और जैसी हमारी 5वीं जनरेशन ये अपनी गर्त में ले रहा है तो ये शायद हमारे यहाँ से 5 बलि मांगना चाह रहा है, और अगर हमें ऐसा जरूरत हुआ तो हमें उसकी भी देने में हमें कोई भी गुरेज नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो एरिया की क्षेत्र की जनता है, उनकी 10-10 साल उम्र तो वैसे कम हो चुकी है, हर आदमी घर में बीमार पड़े हुए हैं, तो अब हम पूरी तैयारी के साथ हैं। पहले हमारा काम है कि हम इसको आंदोलन को शांतिपूर्वक रखेंगे और हम अनिश्चितकालीन चलाएंगे, यहाँ खत्ते को नहीं पड़ने देंगे, ये हमारी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ये जो कूड़ा है ये हम आप जैसे लोगों के, तमाम लोगों के घरों से निकला है, जाहिर तौर पर इसको डंप करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, वो जगह देनी चाहिए, उस तरह की स्थिति बननी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि यदि ये यहाँ से हटे
तो दूसरी जगह क्योंकि पिछले दिनों प्रयास किया गया, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो आपकी जहन में क्या इस चीज़ का एक हल हो सकता है? देखिए, सरकार खुद लिख के दे चुकी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था उसके प्रोसीडिंग्स हैं मेरे पास, एनजीटी में भी सरकार लिख के दे चुकी है कि उनके पास 20-22 साइटें हैं दिल्ली के अंदर जहाँ वो ये साइट डंपिंग साइट बना सकते हैं। लेकिन सरकार क्या है, इच्छा शक्ति सरकार की है ही नहीं। अब ये बताइए आप, इसको आप कब तक चला लेंगे? चलो एक मिनट के लिए हम आंदोलन ना भी करें और सरकार इसको ऐसे ही चलाती रही, एक स्टेज तो ऐसे पिन टॉप पोजीशन हो जाएगी कि जब एक गाड़ी और नहीं डल पाएगी तब क्या सॉल्यूशन होगा सरकार के पास? तब कहाँ डालेगी इस मलबे को? जो आज 9000 मीट्रिक टन दिल्ली से निकल रहा है, कुछ साल बाद तो 15000 भी हो जाएगा, 20000 भी हो जाएगा, तब क्या भलसवे पे डलता रहेगा? तब कहाँ डालेगी सरकार? जो सॉल्यूशन उस टाइम पे किया जाएगा वो आज क्यों नहीं करती सरकार? तब भी तो किसी का विरोध झेलेगी सरकार, अब क्यों नहीं झेल लेती उसको? हम लोगों को क्यों मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए? मतलब एक आदमी अगर शरीफ है तो उसको बिल्कुल ही जहर दे के मार दिया जाए। आज तक हमारे लोग यहाँ के इसको बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब वो कब तक करें बताइए? लिमिट तो है ना हर चीज़ का, तो वो लिमिट क्रॉस हो चुका है, अब नहीं होगा ये सब। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों का यही कहना है कि अब स्थिति और भी गंभीर हो गई है, अब जो है सीमा पार हो चुकी है, लिहाजा इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले भी आंदोलन किए गए, मगर अब की बार ये कहा जा रहा है कि आंदोलन को पूरी गंभीरता से किया जाएगा। जो खत्ता हटाओ जीवन बचाओ जो संगठन है वो अपनी तरफ से प्रयास करेगी कि इस भलसवा के खत्ते को यहाँ से सरकार हटाए, और जब तक नहीं हटाएगी तब तक यहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर पहुँचती हैं हर रोज़ कूड़ा लाने के लिए, इस तरीके की गाड़ियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर हर रोज़ गाड़ियाँ कूड़ा लेकर आती हैं, और तकरीबन 250 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कूड़ा लेकर आती हैं। और ये जो पूरा इलाका है जहाँ जिसको लेकर इनकी चिंता है कि यदि यहाँ से ये कूड़े का ढेर जो है वो खिसकता है तो स्थिति कहीं ना कहीं और भी गंभीर हो जाएगी, और इसीलिए मजबूरन ये आंदोलन चला रहे हैं। और इनका कहना है कि सरकार जागे, क्योंकि सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि यदि कोई हादसा हो उसके बाद सरकार जागे, सरकार का अपना काम है। इसीलिए सरकार इस बात को पूरी गंभीरता से ले और इसको लेकर खत्ता हटाओ जो जीवन बचाओ संगठन है वो अपनी तरफ से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ये यहाँ से लैंडफिल साइट को ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जिस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यवहारिक दिक्कत है वो दिक्कत ख़त्म हो सके। कैमरामैन गौतम के साथ आलोक सांगवान, MHN न्यूज़, दिल्ली।